अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आज का टॉपिक है कि हम अपने बर्ड्स को किस तरह ब्रीडिंग मोड में लेके आए। मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि बर्ड एक जैसा सॉफ्ट फूड खा के बोर हो जाता है, तो हमें उसकी अलग किस्म की फॉर्मूलेशन करनी चाहिए ताकि बर्ड इंजॉय कर सकें। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है एग एंड बिस्किट, ये डिफरेंट टाइप के मिक्स सीड्स हैं। इसकी वीडियो मैंने की है, फेसबुक पर आप देख सकते हैं। ये इसके बाद ये सुपर पाउडर है, ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का पाउडर होता है, इम्पोर्टेड पाउडर होता है और बहुत ताकतवर होता है, प्रोटीन से भरा हुआ होता है। ये आपके बर्ड्स को जो केटी हैंड फीड या प्रोटीन यूज़ करते हैं मुख्तलिफ किस्म के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको नज़र आ रहा है फर्टिवे, ये बर्ड के स्पर्म को बहुत जानदार करता है और मज़बूत करता है। ये है एग जो हम सॉफ्ट फूड में इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ आप ये देख सकते हैं ऑलिव ऑयल। तो ऑलिव ऑयल गर्म होता है, अंडे गरम होते हैं, फर्टिवेट गरम होती है, सुपर पाउडर गरम होता है और ये सीड्स भी गरम ही होते हैं। और इस साथ में आपको एग एंड बिस्किट नज़र आ रहा है, ये प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है। अब हम ये सारी चीज़ें मिक्स करेंगे, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है हमने कॉर्न के साथ इन सब चीज़ों को मिक्स किया है। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कॉम्बो, एक बड़ा ही ज़बरदस्त, आप मैं तो नहीं बोलता, खैर ब्रीडिंग तो रब की ज़ात देती है, लेकिन ये हाँ ब्रीडिंग में बहुत बहुत हेल्प करती है। और बर्ड जो कि बिल्कुल ठंडे होके बैठे होते हैं, स्पेशली मेल, तो ये उनको ब्रीडिंग के मूड में लेके आती है, उनको अपने तरफ खींचती है। और बर्ड इस जब इस तरह की गर्म डाइट खाता है और थोड़ी सी फार्मूलेशन चेंज करके, तो वो माशाल्लाह से बहुत जल्दी ब्रीडिंग की तरफ आते हैं। और जो बर्ड्स ब्रीड कर चुके होते हैं उसको भी दोबारा से ये ब्रीड की तरफ लेके आने की पूरी सलाहियत रखते हैं। तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कॉर्न है, हमने कॉर्न यूज़ किए हैं, उसके साथ ये हमने फर्टिवेट और अंडे और मुख्तलिफ किस्म की जो आपने देखा ऊपर की फार्मूलेशन हमने इस्तेमाल की और उसके बाद इसको मिक्स किया। ये आपको थोड़ा सा सॉफ्ट फूड नज़र आ रहा है, हमने आपको दिखाने के लिए आधा किलो सॉफ्ट फूड बनाया है। इसकी फार्मूलेशन कुछ ये है कि दो अंडे हैं, फर्टिवेट 5 ग्राम है, सुपर पाउडर 5 ग्राम है, और ये आप सीड्स ले सकते हैं, ये आप 10 ग्राम ले सकते हो, एग एंड बिस्किट कम से कम भी आपने 20 से 30 ग्राम लेना है। उसके बाद आपने इन सब चीज़ों को कॉर्न के साथ मिक्स करना है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, और उसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद, लेकिन आपका सॉफ्ट फूड ड्राई होना चाहिए क्योंकि हम कॉर्न को डिहाइड्रेट करते हैं, तो इसलिए हमारे कॉर्न ख़राब नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप पानी में भिगो रहे हैं तो आप देख लें कि अच्छी तरह से खुश्क हों। उसके बाद आप इस तरह रोज़ाना सॉफ्ट फूड में या हफ्ते में तकरीबन 2 से 3 दफ़ा दें, तो इससे आपके बर्ड ब्रीडिंग मोड में दाखिल हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग हाउस ऑफ न्यूट्रिशन वर्ल्ड। अल्लाह हाफिज़।